रकीब भाई के बारे में कि माशाल्लाह से वो अपने पेरेंट्स को लेके जो दुबई गए और उनको घुमा रहे और मोबाइल लेके दे रहे और मजे करा रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बटन को लाजमी प्रेस करें। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि आज मैं कॉलेज से आके मैं व्लॉग मैंने स्टार्ट किए थे लेकिन मैं बिल्कुल फारिग नहीं था, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरा जो दोस्त है अहमद, उसकी अभी इंगेजमेंट है। उसकी जो इंगेजमेंट मतलब जो बात पक्की हुई थी वो तो हो गई थी, लेकिन जो प्रॉपर इंगेजमेंट होनी थी तो वो रहती थी, लेकिन अब वो कुछ दिनों में है, दिन दो में तकरीबन। तो दिन दो में उसके भी है एंगेजमेंट मुकम्मल। तो उसके काम में मैं इतना सख्त बिजी हूँ, मुझे एक सेकंड का टाइम नहीं मिलता। मैं घर आके नहीं बैठा, मैं खाना नहीं खा रहा, मतलब बिल्कुल मैं फारिग नहीं होता। अरे कभी हम लोग दोस्त एक जगह सारे एक साथ होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी प्लानिंग करनी है, बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो बस इस वजह से। तो आज का टॉपिक मेरा कुछ हुआ है कि मैं भी बात करना चाहूँगा हमारे प्यारे, मैं तो आप लोग ऐसे लोगों को ना पकड़ा करो, तो ये मेरे फेवरेट लोग हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ और इनको ये मेरे इंस्पिरेशन है, तो मैं इनको भी पकड़ूंगा। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ रकीब भाई के बारे में कि माशाल्लाह से वो उसकी मुझे ये वाले ये काम उसका मुझे इतना पसंद आया ना, कसम से आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कि वो अपने पेरेंट्स को लेके जो दुबई गए और उनको घुमा रहे और मोबाइल लेके दे रहे और मज़े करा रहे। तो देखें वो तो खुद उसके लिए उसका तो गोल्डन वीज़ा है कि जो भी है वो तो खुद तो सब कुछ कर लग सकता है, लेकिन ये जो माँ बाप की खुशी होती है ना कि वो उसकी जो अब्बू को उसने जब अपने अब्बू को मोबाइल दिया और वो खुश हुए और एयरपोर्ट्स दिए और घुमा रहे और एक जगह और दूसरी जगह, तो इसका एक अपना सुकून होता है। कभी ये वीडियो मेरी कुछ किसी के बारे में कोई किसी के इंतजार बनाने के नहीं, किसी के बारे में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप लोग इतने छोटा सा काम भी उनके लिए करें तो उनको वो समझ जाते हैं यार कि बस हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया, हमारी जो कामयाबी है ना कामयाबी हमें मिल गई है। तो आप लोग इतना सा काम भी कुछ हो ना तो कर लिया करें, अगर आप लोग 2 रुपए की चीज़ भी ला सकते हैं ना तो बेशक लाया करें। वैसे मेरा काम है नसीहत करना, आप लोगों का काम है अमल करना ना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग वो उनके जो 2-3 ब्लॉग्स है वो खामखा देखें, और बस आप लोगों को कुछ सबक मिले ना तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आज मैं गया था कोई कपड़े वगैरह लेने के लिए अपने शादी वगैरह के लिए ना, तो मैंने अपने लिए कपड़े भी ले लिए, वो सीने भी दे दिए और ऊपर जो वास्कट वगैरह थी वो भी और वो शूज़ वगैरह भी सब कुछ मैंने ले लिए। लेकिन असल में मैं व्लॉग क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मैं गया था, मैंने जाना था, तो अबू भी मेरे साथ चले गए, उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ ले लूँगा अपने लिए, तो इस वजह से मैं अब उनके सामने किस तरह कैमरा ऑन कर सकता हूँ। वो कहेंगे बाजार में मोबाइल, घर में मोबाइल, दुनिया के हर कोने में मोबाइल, तो इस वजह से मैं बड़ा मसले में था, इस वजह से मैं फुल व्लॉग ही बना सकता, क्योंकि आज मेरा मुकम्मल तौर पर इरादा था। मैंने कहा था कि एक ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग डालूंगा कि मज़ा आ जाए, लेकिन बस इन ये अब की वजह से मैं ज़रा रुक गया हूँ। मैंने कहा छोड़ो फजूल काम है, सुकून जाके घर में देखेंगे कोई अच्छे सा टॉपिक पकड़ेंगे। तो बराबर कह लो, मेरा नाम है, मेरा काम है नसीहत करना, आप लोगों का मैं अमल करना। तो अपने वालिदैन की उनको कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों से, वो जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, बस अब आप लोग वो सब कुछ जो आप एक इतने छोटा सा काम भी कोई करते हैं ना तो बस वो कहते हैं यार वाकई हमारा हमारे जो ज़िंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया। तो बस मैंने बर्थडे की भाई से इसलिए छेड़ी क्योंकि हर बंदा उसको पहचानता है, हर बंदा उसको देखता है, हर बंदा उसका फ़ैन है। तो अगर मैं उसका नाम लेने के बगैर किशोर का नाम लूँगा ना तो ना कोई पहचानेगा और ना कोई अमल करेगा। तो बस आप उसकी वीडियोस टका टुका जो है ना, ये 2-3-4 वीडियोज़ हैं, ये ज़रा गौर से देखें और इस पर समझें कि उसने यार वाकई बड़ा काम किया। तो बस आज के मिले मेरा व्लॉग इतना खास नहीं था और आज का मेरा टॉपिक कुछ इतना खास नहीं था, बस मजबूरी के तहत मुझे वीडियो बनानी पड़ी, वरना तो मैं फुल वीडियो इंशाल्लाह मैंने देखें, मैंने क्लिप भी बनाई थी पहले आप वो देखें। फ्लैशबैक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आज का सीन कुछ हुआ कि मैं भी थोड़ी देर पहले कॉलेज से आया हूँ और जो हमारे गैस के जो कनेक्शन है वो तो लग गए थे, लेकिन हमारे घर के गैस मतलब गैस जो लाइन आई थी तो हमारे घर के सामने थी, तो सामने वालों ने भी हमारे तरफ से ही मतलब सारा जगह खोद वगैरह के बाद नीचे से निकाला है, लेकिन जगह हमारे घर के सामने ख़राब थी। तो मैंने अभी जब आते साथ जल्दी जल्दी वो ठीक किए, मैंने कहा वो लोग करें ना करें हम लोग खुद ही कर लें।
तो उससे फ़ारिग हो गया हूँ। और अभी सीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी हफ्ते अहमद जो है उसकी जो इंगेजमेंट हुई हुई थी, तो उसकी मतलब वो तो क्या बात पक्की हुई थी, लेकिन प्रोग्राम नहीं हुआ था कोई, और तो इस वजह से इसी हफ्ते अहमद का एम की इंगेजमेंट है, और उसके लिए मैंने बहुत सी तैयारियाँ कर रही हैं, तो करनी है। तो कल भी मैं सारा दिन उसी पे लगा था, और कपड़े वगैरह भी मैंने अपने लिए कल ख़रीद लिए थे, वो मैं आपको दिखा दूँगा। और अपने लिए कोई शूज़ वगैरह हो या वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती हैं मैं अभी जाके लेता हूँ कि उसके लिए ख़ुद को रेडी करूँ। तो बस मैंने अपने अबू को कहा कि मैं ऐसा कुछ सामान अपने लेने जा रहा हूँ, तो कहते चलो मेरी तरफ आ जाओ तो हम दोनों चले जाएंगे। मैंने भी मेरे कुछ लेने तो मैं भी ले लूँगा, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात और क्या होगी, असल में अबू जाए तो पैसे बचत हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम जाया कि बगैर निकलता हूँ उनके ऑफिस पहुँचता हूँ मतलब पिशावर हाई कोर्ट, और उनको वहाँ से पिक करता हूँ, फिर अपने काम सारे अंजाम देता हूँ। तो स्टार्ट मैंने लिया था लेकिन बस एंड नहीं हुआ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।